दोस्तों, अगर आपका भी एक पीएफ अकाउंट है तो आपके पीएफ अकाउंट से जुड़ी एक नई अपडेट के साथ माय सिंपल गाइड में आपका फिर से स्वागत है। ये नई अपडेट आपकी पीएफ पासबुक से रिलेटेड है, जिसका जानना आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि ये नई अपडेट क्या है। उससे पहले, अगर आपने अभी तक माय सिंपल गाइड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए बेल बटन को, ताकि ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिलता रहे। दोस्तों, हर महीने आपके एम्प्लॉयर द्वारा आपकी सैलरी से पीएफ काटकर आपके पीएफ अकाउंट में जमा कर दिया जाता है, और इस जमा पैसे की डिटेल जानने के लिए या फिर अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस जानने के लिए अपने पीएफ पासबुक पोर्टल पर लॉगिन करके पीएफ पासबुक देखते हैं। तो करंटली अगर आप पीएफ पासबुक पोर्टल को ओपन करेंगे, आप देखेंगे कि वेबसाइट का प्रारूप एकदम बदल दिया गया है और कुछ इस तरह से आपको यहां पर पीएफ पासबुक पोर्टल दिखाई देगा। और जैसे ही आप अपनी पीएफ पासबुक चेक करने के लिए पीएफ पासबुक पोर्टल पर अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहां पर भी पूरा का पूरा प्रारूप बदल दिया गया है। यहां पर आप देखेंगे कुछ मेन्यूज ऊपर ऐड कर दिए गए हैं। यहां पर नीचे आप देखेंगे ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन की डिटेल्स भी आपको यहां पर होम पेज पर दिखाई देगी, यानी कि आपका ईपीएफ एम्प्लॉयर बैलेंस और एम्प्लॉई बैलेंस कितना है यहीं से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको करंट एम्प्लॉयर की डिटेल्स दिखाई जाएंगी। ऊपर अगर आप मेंबर वाइज बैलेंस जानना चाहते हैं, यानी कि अगर आपके एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट हैं, उन सभी पीएफ अकाउंट का बैलेंस एक साथ जानना चाहते हैं, तो यहां पर ऊपर मेंबर वाइज बैलेंस पर क्लिक करके आप जान सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपके जितने भी पीएफ अकाउंट है उसका बैलेंस आपको शो होगा। अब बात करते हैं ऊपर दिए गए नए मेन्यूज के बारे में। इसमें सबसे पहले अगर आप प्रोफाइल मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आपके पीएफ अकाउंट की बेसिक डिटेल्स दिखाई जाएंगी, और साथ में आपकी केवाईसी की डिटेल्स और नॉमिनी की डिटेल्स भी आपको यहाँ पर शो होंगी। केवाईसी और नॉमिनी दोनों का स्टेटस आप यहीं से जान सकते हैं। उसके बाद अगले मेन्यू पासबुक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी पीएफ पासबुक का पूरा प्रारूप बदल दिया गया है। यहाँ पर ऊपर सबसे पहले आपको उस मेंबर आईडी को सेलेक्ट करना है जिसकी पासबुक आप चेक करना चाहते हैं। उसके बाद आपकी पासबुक का ओवरव्यू दिखाया जाता है, यानी कि पूरी की पूरी समरी दिखाई जाती है, जैसे कि आपका टोटल पीएफ बैलेंस कितना है, अगर कोई एडजस्टमेंट हुई है तो वो क्या है, टोटल एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, आपके पीएफ अकाउंट पर टोटल इंटरेस्ट कितना दिया गया है, और अगर आपने कोई अमाउंट पुराने पीएफ अकाउंट से करंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर की है तो वो कितनी अमाउंट है, और अगर आपने कोई पीएफ विड्रॉवल किया है तो वो कितनी अमाउंट का किया है, ये पूरी की पूरी समरी आप यहां पर देख सकते हैं। इस समरी को आप नीचे चार्ट के रूप में भी देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको आपकी पूरी पीएफ पासबुक दिखाई जाती है, जिसमें आपका ओपनिंग बैलेंस और उस फाइनेंशियल ईयर में जो जो ट्रांजेक्शन की गई है वो आप देख सकते हैं। नीचे आपका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर आपने कोई ट्रांसफर किया है तो उसकी टोटल अमाउंट, और अगर आपने कोई विड्रॉवल किया है तो उसकी टोटल अमाउंट आपको दिखाई जाती है। यहीं पर लेफ्ट हैंड साइड में आप फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको कोई और फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट देखनी है तो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद ऊपर आप देखेंगे यहां आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, व्यू टैक्सेबल डेटा और डाउनलोड एज पीडीएफ। तो पहले ऑप्शन की सहायता से अगर आपके पीएफ बैलेंस पर कोई टैक्स एप्लीकेबल होता है और कोई टैक्सेबल वैल्यू बनती है तो उस वैल्यू की डिटेल्स आप देख सकते हैं, और दूसरे ऑप्शन से आप अपनी पीएफ पासबुक को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ पासबुक को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि उसका भी प्रारूप बदल दिया गया है। उसके बाद अगले मेन्यू यानी कि क्लेम पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके द्वारा किए गए क्लेम की पूरी हिस्ट्री आप जान सकते हैं, कि आपने अभी तक कितने क्लेम अप्लाई किए हैं, उनमें से कितने अप्रूव्ड या सेटल कर दिए गए हैं, कितने क्लेम रिजेक्ट कर दिए गए हैं और कितने क्लेम पेंडिंग हैं, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी जाएंगी। और अगर आप क्लेम की डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि पेंडिंग क्लेम्स, सेटल्ड क्लेम्स और रिजेक्टेड क्लेम्स। इन ऑप्शंस पर क्लिक करके आप अपने क्लेम्स की पूरी डिटेल्स जान सकते हैं। उसके बाद अगले मेन्यू यानी कि सर्विस हिस्ट्री पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी सर्विस हिस्ट्री की डिटेल्स को जान सकते हैं, यानी कि अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनीज में काम किया है तो उनकी सर्विस डिटेल्स आप यहीं से जान सकते हैं। उसके बाद आखिरी ऑप्शन यानी कि कैलकुलेटर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहां पर तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे, ईपीएफ कैलकुलेटर, ईडीएलआई कैलकुलेटर और पेंशन कैलकुलेटर, यानी कि यहीं से आप अपने ईपीएफ की कैलकुलेशन या फिर ईडीएलआई इंश्योरेंस के क्लेम की कैलकुलेशन और रिटायरमेंट के बाद पेंशन की कैलकुलेशन, तीनों अमाउंट की कैलकुलेशन आप यहीं से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे बदलाव हैं जो ईपीएफओ द्वारा
नए पीएफ पासबुक पोर्टल के प्रारूप में किए गए हैं, यानी कि पीएफ पासबुक पोर्टल पर आप अपने पीएफ अकाउंट की डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी और भी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।